हमारे फ्रीडम फाइटर के कलेक्टिव स्ट्रगल की वजह से आज हमने आजादी पाई है चाहे वो वीर सावरकर जी हो या गांधी जी तो क्या मेरा सवाल आप सबसे, क्या उनके और को करना एक दूसरे, दूसरे है? है, तो okay, so, इस्तेमाल किया बिल बिलाना तो मुझे लगता है इनने सब बहुत ताजा -ताजा सिखा है, क्योंकि जो ईडी कर रही है उसके बाद जो रिएक्शन आ रहा है उसे बिलबिलाना कह सकते हैं जिस शब्द का आपने प्रयोग किया वीर के लिए मैं माफी चाहता हूं मुझे ज्यादा नॉलेज तो उनके बारे में नहीं है लेकिन मुझे इतना नॉलेज है कि क्या बोलना चाहिए किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और उसके बाद मैं इन मैम का एक जवाब देना चाहूंगा अभी दो नाम नाम काउंट काउंट कराए रेपिस्टो का एक पीपी बाबू आप काउंट करा दी होती जो कांग्रेस के हैं वाइस प्रेसिडेंट रहे केरला में तो मैं उनको ना डिफेंड कर रहा हूँ ना आपको सपोर्ट कर रहा हूँ बट एक ये नाम एड कर दी होती जब आप भागने वालों में एड कर रहे हैं नाम माल्या जो भी नीरव मोदी या जो भी तो उसमें ये भी तो बताइए कि माल्या हमारे सांसद थे कलेक्टिव बातें कीजिए तो बेहतर होगा नमस्कार मेरा सवाल मैडम मैडम से है कि बार बार बोल रही हैं मैं एक महिला हूं मैं एक महिला हूं क्या ये तीनों यहाँ पे महाशय खड़े बोल रहे हैं मैं एक मर्द हूं मैं एक मर्द हूँ आपने टॉपिक को सावर कर से पूरा कन्वर्ट करके एक वुमेन कार्ड प्ले करने लगी मेरा इस पर Like सर पहला कहना है कि हम इतिहास पे बात करें तो इतिहास के नजरिए से बात करें पॉलिटिकल वे से बात ना करें और सर पहली चीज जब हम भारत के इतिहास को पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो भारत का सुदृढ़ इतिहास लिखा है वो विंगसेट सेट ऑथर इसमें इतना लिखा है एक भारतीय ने नहीं लिखा तो सेकंड थिंग सर की हम

वर्तमान परिपेक्ष में नहीं कह सकते क्योंकि आप इतिहास की बात करें तो कहीं कही ना कहीं सर आप इस चीज को डिफेम मत कीजिए थैंक यू सर नमस्कार मेरा सवाल हिस्टोरियन साहब से आप जैसा कि हिस्टोरियन है आपने कहा स्ट्रेटेजी थी वीर की, आने के बाद अपना स्ट्रगल कंटिन्यू करेंगे तो उन्होंने ऐसा कौन सा फ्रीडम मूवमेंट है या फिर ऐसा कौन सा अंशन है जिसको उन्होंने मार्गदर्शक किया हो या बता दें आप हिस्टोरियन के रूप में और दूसरा सवाल मेरा सुधांशु जी से है मानता हूं मैं कांग्रेस ने लाखों गलतियां की करोड़ों गलतियां की लेकिन क्या हम उन गलतियों को दोबारा दोहराएं ये एक वर्तमान की सरकार में होने के नाते कर्तव्य है या फिर उन गलतियों को हम सुधारें या फिर जो गलतियां पास्ट में हुई जैसे हाँ दहली में भी काफी सारे केसेस हुए दो हजार ग्यारह का भी केस हमको याद है तो उन गलतियों को हम कैसे सुधारें इस पर चर्चा करनी चाहिए या फिर उन सब ग्यारह लोगों को डिफेंड करना चाहिए क्योंकि एक बहुत सेंसिटिव इशू है हम सभी समझते हैं धन्यवाद ठीक है, ठीक है है महिला सम्मान का हम बात करते हैं और मैम ने भी जैसा बोला महिला सम्मान का तो मैं कहना चाहूंगा कि महिला सम्मान जब हलाला का बात आता है जब एक खास समाज के लोगों द्वारा महिलाओं को उपभोग की वस्तु की तरह समझा जाता है तो उस समय ये महिला सम्मान की बात कहा चली जाती है उस समय लोग महिला सम्मान के लिए क्यों नहीं खड़े होते मैम ने जैसे कि 11 रेपिस्ट की बात करी जो गुजरात में, कर तो में छोड़ना क्या सही था क्या पूरी इंडिया का या पूरे सुप्रीम कोर्ट का उस नतीजे पे एक बार अपना विचार प्रकट करना की ये सही है या गलत है क्या ये सही नहीं था आजकल के आजाद देश में ये क्या हो रहा है इस पे आपके विचार ठीक है आपके साथ शुरू करते हैं माखनलाल जी जहाँ सुप्रिया जी ने जो सवाल किया था वही से शुरुआत करेंगे क्या किया उसके बाद जब रिहाई हो गई तो वीर सावरकर ने ऐसा क्या किया था जिससे हम ये माने कि दया याचिका की जो दलील आप दे रहे कि वो वापस योगदान देना चाहते थे झूठ तो तो जो बोला गया उसको हिस्टोरिकली करेक्ट कर दें सुप्रिया जी ने भी कहा और आदरणीय अतुल जी ने भी कहा कि दो राष्ट्र का सिद्धांत उन्नीस में जिन्ना और सावरकर ने रखा

अहमद खान ने कहा हिंदूज एंड मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लोग थे उसको परसू करते रहे और एक बार, तो बार, बार पुनः तो अभी आ रहा हूँ आ रहा हूँ मेरा नाम दूसरा ही है उसके बाद उन्नीस में अल्लामा इकबाल ने मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंशियल एड्रेस दिया उसी शहर में जहां मैं पैदा हुआ इलाहाबाद 1931 में लाहौर में दिया उन दोनों ने उन्होंने दो राष्ट्रवाद का सिद्धांत रखा टोटल कुरान के सैकड़ों एग्जाम्पल देते हुए कि आर टू नेशंस दे कैन नॉट लिव टुगेदर ये सावरकर जी ने भी कहा था। नहीं सावरकर ने कहा नहीं सावरकर लिखा है, है किताब में हम हम आ रहे हैं उस पर सावरकर ने उन्नीस में जब जिन्ना ने यह मांग रखना शुरू किया तो सावरकर ने कहा कि आप सही कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान दो अलग राष्ट्र हैं क्योंकि सर सैयद और अल्लामा इकबाल ने भी ये कहते चले आए तो यह सिद्धांत सावरकर ने आपके प्रश्न पे आते हैं सावरकर ने 1911 तक क्या कभी हिंदू संगठनों की बात की थी आपने कहा था अतुल जी ने कि दो हिस्सों में करके देखने का प्रिजन बिफोर प्रिजन एंड आफ्टर प्रिजन मैं आफ्टर प्रिजन की बात कर रहा हूँ आफ्टर प्रिजन के बाद जो देश में पॉलिटिकल स्थितियां बनी हैं वो राजनीत को कम महत्व देकर वो वास्तव में सोशल फील्ड में गए रिलीजियस फील्ड में गए एंड ही वाज आप लोगों को सरप्राइज होगा कि सावरकर वर्चुअली एथीस्ट थे वो हिंदू धर्म नहीं मानते थे